चलिए देखते हैं, अब लीनियर देख लेते हैं, है ना? राइट, लीनियर देखते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था, वेरिएबल सेपरेबल बता दिया, जनरल सॉल्यूशन बता दिया, है ना, ऑर्डर और डिग्री बता दिया है। और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं लीनियर के क्वेश्चन, राइट? आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। चलिए, ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका फॉर्मेट देखिएगा, जनरल फॉर्म देखिए इसका, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इसका, जनरल फॉर्म कैसा होता है? डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, दिस इज जनरल फॉर्म, ठीक है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करते समय क्या क्या करना है हमें दिमाग में बातें रखनी है। सबसे पहले तो इसमें एक टर्म आता है, देखो इसमें सबसे पहले बहुत सारे टर्म्स आते हैं। पहला टर्म एक आता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF से डिनोट किया जाता है उसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आराम से समझना, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर आ गया तो आप समझ लेना कि आपको 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और इसको जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते हो स्टेप वन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर फॉर्मेट इस फॉर्मेट का हो तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर, देखो जरा इसको हम लिखते हैं e की पावर पी डी एक्स। अच्छा, तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर लीनियर इक्वेशन ऐसा हो, ध्यान से देखना क्या यार कहाँ गया, अगर ऐसा हो डी एक्स बाई डी वाई, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन याद रखना जिस y के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे क्या दिखेगा, पी एक्स दिखेगा। देखो यहाँ y है तो यहाँ y और यहाँ q दिखेगा, सेम चीज करेंगे। अब मैंने इसमें क्या वेरिएशन कर दिया, जरा ध्यान से देखो, मैंने जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ x की जगह y और p की जगह पे वही है x, y की जगह पे x कर दिया। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर पी डी वाई, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आई एफ, यहां पे क्या हो जाएगा वाई आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स होता है यहाँ पे प्लस सी। और यहां पे क्या हो जाएगा जरा बताओ, यहां पे जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ और इसका डी एक्स डी वाई हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वाई है ना वाई और प्लस सी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन एक करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, देखो जरा, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं, है ना, तब आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, है ना, देखना इसको। ये रहा आपका एक क्वेश्चन बढ़िया सा, और इस क्वेश्चन को बोला गया है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एक मिनट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर टू वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो।
ये क्वेश्चन है और इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला आपका टास्क क्या है, फर्स्ट जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो सबसे पहले आपको क्या किसमें कन्वर्ट करना है कि गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं लिखते जा रहा हूँ समझते जाना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं आइए, तो हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड कर दो, क्या हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है तो हम इसे करते हैं, देखो इसको हम लोग कर देते हैं एक्स से बोथ साइड डिवाइड, मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाई एक्स बाई एक्स बोथ साइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से ये एक्स का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे टू वाई बाई एक्स हो जाएगा और इधर वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं इस चीज को लिखने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखूंगी। अब मैं इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू। अब जरा कंपेयर करके देखते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो क्या आएगा, कंपेयर करना जरा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स, पी वाई यहाँ पे पी के जगह पे क्या आ गया टू बाई एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ कि पी के जगह पे टू बाई एक्स और क्यू की जगह पे हमारे पास क्या है एक्स एक्स है सिर्फ, पी के क्यू के जगह पे क्या है देखो जरा एक्स सिर्फ दिख रहा है क्यू की जगह पे, तो इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे क्यू लिख भी दिया मैंने, यहाँ पे क्यू नहीं है टू एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ राइट एक्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स कट के आया था ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करने का तरीका क्या मैंने बताया था बताओ, नया स्लाइड लेता हूँ, सॉल्व करते समय स्टेप वन हमने फॉर्मेट पहले बदला, किसमें आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आया हमारे पास। तो पहला फॉर्मेट है कि या इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ई की पावर पी डी एक्स, जब हमारा फॉर्मेट वाई के फॉर्म में ई की पावर पी की वैल्यू हमारी कितनी है टू बाई एक्स, टू बाई एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर टू को कॉन्स्टेंट बाहर ले लो तो वन बाई एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू याद रखना e की पावर टू लॉग x आ जाएगा क्या, और हम लोग जानते हैं लॉग की एक प्रॉपर्टी है n log x डेट इज x की पावर n, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या e की पावर e log x की पावर टू लिख सकता हूँ मैं, ये टू जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज याद रखना कि कभी भी e की पावर log में हो तो एक रूल याद रखना कि कभी भी e की पावर log ऑफ x हमेशा याद रखना x होगा, तो इसकी वैल्यू क्या है log ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालने के लिए आता है। अब देखो जरा क्या हो रहा है, अब यहां पे मैं ऐसे करूंगा देखो, ठीक है इंडिकेटिंग फैक्टर निकल गया हमारे पास, अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे लिखता हूं मैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था वाई इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग साइन ऑफ क्यू इंटू आई एफ और इसका होल का डी एक्स और प्लस सी। अब मैं पुट कर देता हूँ वाई आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर हमने निकाल रखा है, फिर क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू एक्स है, आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब ये देखो आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर रख दिया, ये डी एक्स प्लस सी। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा y into x square, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इंटीग्रेटिंग साइन ऑफ x का क्यूब dx हो जाएगा और प्लस c, और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ y into x square
इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी. तो दिस इज योर आंसर. आपका सॉल्यूशन क्या आया? वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी. ये आपका हो गया आंसर. यहां तक आप छोड़ सकते हो. ठीक है, तो लीनियर का कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा. ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को और कंफर्म हो जाए अच्छे से. राइट, तो आइए जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर टू. देखना जरा, अगर मेरे पास फॉर्मेट है डीवाई बाई डी एक्स, यहाँ पे तो पहले से दे रखा है एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू टू वाई ऐसा दे रखा है. ठीक है, तो यहां पे dx दे रखा है. देखो एक डिफरेंट केसेस करा रहा हूं, इसके देखने जरा. यहां पे फॉर्मेट देखना, अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना. देखो यहां पे dx अपॉन में dy दे रखा है ना. आप dy बाई dx मत खोजना. तो अब जब भी आपको ऐसा दे रखे, और मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है पहले से कि अगर dx अपॉन में dy दिया हुआ है तो यहाँ पे p के साथ x लगा रहेगा और इधर q लगा रहेगा, तो मतलब ये नहीं है. अब इसके लिए हमें कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है? इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये देखो, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इसके लिए e की पावर pdy. ठीक है, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो जनरल सॉल्यूशन भी आ जाएगा. क्या आ जाएगा? एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स डी वाई प्लस सी. ये होगा. तो ये हमने आपको ये बता दिया कि कैसे यूज करेंगे इसको. तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं क्या आता है ना. तो आप देख पा रहे हो फॉर्मेट आपको एकदम बना बनाया मिल गया है ना. फॉर्मेट बना बनाया मिल गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y. तो p के जगह पे कितना लिखूंगा मैं? माइनस 1 बाई वाई, क्योंकि प्लस में है ना, यहाँ पे प्लस का फॉर्मेट है लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस का 1 बाई वाई. ये गलती हो जाती है सबसे. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? q के जगह पे हमारी 2y आ गई. अब मैं सॉल्व करता हूँ. आई एफ पहले निकालना है. तो e की पावर हम क्या लिखेंगे? p dx या dy? बोलोगे सर dy, क्योंकि हमारा आपको दिख भी रहा है e की पावर माइनस 1 बाई वाई dy. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो e की पावर माइनस log x आ जाएगा, सॉरी log y आ जाएगा. log y, e की पावर क्या आ जाएगा? log y आ जाएगा, log y. ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी बताओ? माइनस में आ गई हमारी वैल्यू. ई की पावर हमारी क्या आई? देखो जरा, माइनस में आ गई. तो हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू हमारी आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपको ये बताओ, इसको जरा कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना. ई की पावर अगर माइनस है मतलब डेट मीन्स माइनस वन है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जरा देखना, लॉग की पावर एक्स की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ. सॉरी, बार बार एक्स लिख रहा हूँ मैं, y होने हो ना, यहाँ पे y होगा, आदत हो गई है y की, है ना. ये हो जाएगा y की पावर माइनस वन. मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि log ऑफ 1 बाई वाई. और डेट मीन्स आपको अभी मैंने बताया कि अगर कहीं भी e की पावर log x दिखता है तो दिस आंसर विल बी इतना. ठीक है ना, x के बराबर होता है. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e की पावर log ऑफ माइनस 1 बाई वाई. डेट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन वाई. ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1 अपॉन वाई आ गया. अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब हमें क्या निकालना है बताओ? जनरल सॉल्यूशन. हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया है बताओ? 1 अपॉन वाई. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स आई एफ
is equals to integration sign of q dot if, और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी वाई और प्लस सी सॉल्यूशन हो जाएगा, मैंने लिख रखा है ऊपर स्लाइड में देख लेना, एक्स आई एफ की वैल्यू 1/1 वाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है 2y थी, देख लेते हैं क्यू की वैल्यू, दिस इज 2y है ना, दिस इज 2y, आप देखो जरा, इनटू आई एफ की वैल्यू 1/y डी वाई अब प्लस सी, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर कितना आया x इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई प्लस सी, यहाँ पे वैल्यू आ गई x अपन में y इज इक्वल टू 2y प्लस सी। तो ये रहा आपका जनरल सॉल्यूशन, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बनेंगे आपके होमोजीनियस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं होमोजीनियस में, लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होमोजीनियस क्या है ना, पुट करते हैं वैल्यू को, और होमोजीनियस का मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, मैं ध्यान से सुनना। होमोजीनियस जो होता है ना, होमोजीनियस कब अप्लाई करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है कि उसमें वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, ये करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ती है, सॉल्व उसमें सारे आ जाएंगे डिफरेंशिएशन। उसमें क्या करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन जैसे मान लो कोई फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, इस तरीके से कोई फंक्शन है ना, तो याद रखना इस तरीके के फंक्शन है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम वेरिएबल सेपरेबल इजिली नहीं कर सकते है ना, जिसमें वेरिएबल सेपरेबल इजिली नहीं लगता है ना, तब हम अप्लाई करते हैं क्या ये। तो होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट सुनना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है इसका कि इसमें क्या करते हैं, वाई के जगह पे वी एक्स पुट कर देते हैं, स्टेप याद रखना बस। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाता है, तो जहां पे डी वाई बाई डी एक्स है वहां पे हम ये पुट करेंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। थर्ड स्टेप, जब आपको जनरल सोल्यूशन आप निकाल लेते हो वी एक्स के फॉर्म में, तो जनरल सोल्यूशन के जब लिखते हो तो वहां पे v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स पुट कर देनी है बस, डेट्स इट। इसलिए इसको मैं लास्ट में रखा हूं, इसके भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, होमोजीनियस से रिलेटेड इसके खत्म ही कर देते हैं आज, है ना। होमोजीनियस से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले भी बता दिया था, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो लीनियर में भी थोड़ा सा लास्ट में मैंने बताया था, और अब यहाँ पे फिर से बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2x है, और बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते जाएंगे और एक्स स्क्वायर, तो लीनियर इसको होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए पी इज इक्वल टू क्या है वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, फिर इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स है जहाँ वहाँ वी पर, और ये कुछ है नहीं, इसी को डिफ्रेंशिएट करके लिखा है, ठीक है। और जनरल सोल्यूशन जब हो जाएगा वी की फॉर्म में, तो याद करिएगा वी के जगह पे वाई बाई एक्स रखना नहीं भूलना है, राइट। आइए देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करना है हमें इसको, तो मैं फिर से क्वेश्चन को स्लाइड ले लेता हूँ नेक्स्ट, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, यही क्वेश्चन है हमारे पास, और प्रूव करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है ना, देखना जरा ध्यान से बहुत अच्छे से। और तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखना होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन, पहला स्टेप बताया था मैंने पुट y इक्वल टू बी एक्स, ठीक है ना, कर लेते हैं। और dy वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या पुट कर लेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये पुट करना है, पुट कर देते हैं, ये मान लिया मैंने क्वेश्चन नंबर वन, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, तो पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स
ये वैल्यू हमारी बदलने वाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। आराम से समझना, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा मैं, आराम से स्पीड बढ़ा लेना जब समझ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स के जगह पर वी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गई। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और जहाँ पे वाई है वहाँ पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि वी एक्स रखूंगा तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x यहाँ पे वी एक्स हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ देखिएगा वी मा प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा बताओ 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा 2x स्क्वायर वी, यही बचा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास ये क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, और हमारे पास क्या आया डी वी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, एकदम इतमान से समझना। आपके पास बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में नीचे बच गया 2। अब यहाँ देखो मैं इस वी को उधर ले जाऊंगा तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2b माइनस वी अपॉन में 1 कर लेना, क्योंकि इस बी को मैंने इस साइड लिया। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2b और 2b से 2b कैंसिल आउट तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा माइनस 2b है तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखना 1 से कटेगा 2b बार में 2b स्क्वायर हो जाएगा। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। जब इतनी बातें समझ में आ गई तो यहाँ देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो इधर उधर कर देता हूँ। तो dv को ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले इसको मिटाओ और अब पेंसिल ले लेंगे राइट। हाँ देखो इधर अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2v क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, इस 2v को इधर भेजा 2v और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर और ये हो जाएगा dv और इधर हो जाएगा क्या dx डिवाइडेड बाई हो जाएगा x। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जरा ध्यान से देखो नीचे क्या है, अगर मैं माइनस साइन ले लूँ, माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो नीचे क्या हो जाएगा 2v अपॉन में वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लूँ तो dv इज इक्वल टू dx अपॉन में x। अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं इसको लिखूं तो देखो जरा नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर दिख रहा है क्या, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर माइनस को इधर भेज देता हूँ पहले, तो ये ऐसे करो इसको रेस करता हूँ मैं। देखो एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना, याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है बस। 2v 1v स्क्वायर माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स लिख दे रहा हूँ मैं और प्लस लॉग सी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं ये लॉग सी, ठीक है देखता हूँ ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग ऑफ माइनस 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 तो कहीं था नहीं, चलो ठीक है तो ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है क्या, तो इसको मैं लॉग ऑफ डेनोमिनेटर लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 1 और ये देखो माइनस लॉग एक्स इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा लॉग एक्स बराबर क्या आ जाएगा लॉग सी, ये आ गई वैल्यू। अब लॉग सी और ये दोनों वैल्यू आएंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या प्लस वाली वैल्यू, तो लॉग में मैं लिख सकता हूँ कि वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड ये हो जाएगा इसमें इनटू एक्स बराबर लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा
देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स बराबर सी। तो इसको सॉल्व करेंगे, बी की जगह पे वाई बाई एक्स पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, और ये एक्स हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आया था क्या, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया हमारा क्या, एक्स इज इक्वल टू सी, यही आया था। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, सॉरी माइनस एक्स एक्स आएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, एक्स बराबर सी। एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। प्रूफ क्या करना था, प्लस में था या माइनस में, प्लस प्रूफ हमारा माइनस में है। एक्स स्क्वायर माइनस हमारा किसमें था, अच्छा ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो हमारा प्लस माइनस में ले सकते हैं, तो माइनस को अगर उल्टा कर दे, कांस्टेंट हमारा लॉग में रहेगा तो ये प्लस माइनस में ले सकते हैं, तो प्लस माइनस में अगर लेंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो ये क्या होगी, या तो ये आएगा प्रूफ, ठीक है ना, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर माइनस इसके साथ लेते हैं, तो अगर प्लस लेते हैं, अगर प्लस सी लिखते हैं तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस ले लेना, और ये आपको प्रूफ करना था सी एक्स, ये आपको प्रूफ करना था, है ना, ये दोनों में दोनों दे सकते हैं इंटरचेंज करके, राइट। अब देखो इसमें क्या क्या किया है मैंने, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है एक्स स्क्वायर माइनस। तो देखो जरा, पहले मैंने क्या किया, पुट किया, फिर इसके बाद पुट वाई एक्स किया, फिर इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को किया, फिर इसमें वी जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ वी एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, कटने वाले थे उसको कैंसिल आउट कर दिया, फिर यहाँ से फिर इसमें क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ध्यान से देखना, यहाँ से हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है, यहाँ से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये था हमारा होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट, और एकदम अच्छे से आपको उम्मीदें समझ में आ गया होगा, तो दिस इज योर राइट आंसर। तो ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट आपका शॉर्ट में रिवीजन, ठीक है ना। ठीक है ना, चलो थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप लोग जरूर देखना सभी लोग, ठीक है ना।